हम? जी हाँ, आखिर कहाँ चले हम? बार बार यही सवाल हम पूछ रहे हैं। जनता पूछ रही है कि आखिर जिन सड़कों पर चलने के लिए वो टैक्स देती है, उन सड़कों पर गाड़ियाँ कम चलती नजर आती हैं और अवैध पार्किंग ज़्यादा नजर आते हैं। लगातार हम अपने खबरों से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से धनबाद के हर क्षेत्र में हमने जाकर देखा कि अवैध पार्किंग जो है वो बड़ी ही खुलेआम से चल रही है। लोग आते हैं, अपनी गाड़ियों को लगाते हैं और चले जाते हैं। हर क्षेत्र में हमने जाके देखा, स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रशासन के द्वारा अभियान जरूर चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग अब भी सजग नहीं हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टील गेट में, और अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अवैध पार्किंग हो रही है। अगर हम बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहाँ अक्सर ट्रैफिक की समस्या होती है। यहाँ पर घंटों घंटों लोगों को ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण उतना नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ लगी रहती है। अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए कि मेरे ठीक पीछे यहाँ सड़क पर ही गाड़ी जो है बड़ी ही आराम से यहाँ पे पार्क करके लोग निकल गए हैं। अगर उसके भी अगर हम बात करें तो आप देखिए कि वहाँ भी जो है बाइकें लगी हुई हैं। किस तरह से लोग आते हैं, मार्केटिंग करने आते हैं, किसी भी काम से आते हैं, अपनी गाड़ियों को यहाँ लगाते हैं और आराम से वो निकल जाते हैं। वही अगर मैं बात करूँ, अगर हम इधर आके देखें तो आप देखिए कि यहाँ भी किस तरह से दुकानों के सामने आप देखिए कि गाड़ियां जो है वो लगी हुई है। अवैध पार्किंग किस तरह से यहाँ पे हो रहा है हम ये देख सकते हैं। अब देखिए कि लोग आ रहे हैं, बाइकें लगाते हैं और आराम से निकल जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि इस तरह से अगर वो अपनी गाड़ियों को पार्क करते, अगर बाइकों को लगाते हैं तो इससे लोगों को क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं। बार बार हम अपनी खबरों से यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर प्रशासन सजग नहीं होती है तो जिस तरह से धनबाद में अक्सर हमें ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है, ये जो है हमेशा बनी रहेगी। यहाँ भी आप देखिए कि एक सिरे से जो है यहाँ पे बाइकें लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब भी सजग नहीं है इसे लेकर, जिस वजह से यहाँ पे लोग आते हैं और बाइकें लगा के चले जाते हैं। हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। आप बताइए कि जिस तरह से लोग सड़कों पर बाइकें लगाते हैं, आखिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? पार्किंग 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 एरिया नहीं है, पार्किंग एरिया की कमी होने की वजह से लोग मजबूर हैं यहाँ पर। यस, और क्या है आपके हिसाब से कि इस ओर प्रशासन को क्या कुछ कदम लेना चाहिए? पार्किंग एरिया बनाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका यही कहना है कि क्योंकि पार्किंग एरिया नहीं है, जिस वजह से लोग मजबूरन यहाँ सड़कों पर ही गाड़ियाँ लगा देते हैं, प्रशासन को पार्किंग एरिया अलॉट करानी चाहिए ताकि इससे आम पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ जो गाड़ियाँ लगाते हैं वो भी कहीं ना कहीं आम पब्लिक होती है और उसी की वजह से आम पब्लिक को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए कि मेरे पीछे जो कार थी वो भी यहाँ से चली गई है। ऑटो है, ऑटो जो है ये भी यहाँ पार्क किया हुआ है। हम ना रोड की दूसरी साइड भी जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है। एक बार हम चलते हैं, जानते हैं और लेते हैं वहाँ का जायजा। ये कोई पार्किंग एरिया नहीं है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जी हाँ, ये सड़कों पर ही बाइकें जो है वो लगी हुई है। या तो ये किसी कस्टमर की बाइक है जो आते हैं सामान खरीदने, आते ग्राहक जो आते हैं उनकी बाइकें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दुकानदारों की बाइकें यहाँ लगी हुई है। तो जिस हिसाब से सड़कों पर यहाँ बाइक लगी, आप देखिए कि मेरे पीछे भी कार जो है वो सड़क पर ही लगी हुई है। बीच सड़क में लोग अंदर बैठे हुए हैं, लोग गाड़ी लगाते हैं, अंदर अपने काम करने को निकल जाते हैं। अगर हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने यही बातें आती हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी पार्किंग स्थल नहीं है, जिस वजह से वो लोग पार्किंग को जो है पार्किंग एरिया जो है वो रोड को ही बना देते हैं। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं आम लोगों की गलती हम मान सकते हैं, लेकिन प्रशासन को इस ओर कहीं ना कहीं अब कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वही क्षेत्र जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ अक्सर दोपहर के समय और शाम के समय ट्रैफिक की समस्या बहुत होती है। लोगों को घंटों यहाँ पे लग जाते हैं। अगर हम बात करें कि अगर संडे होता है या फिर अगर कोई फेस्टिवल होता है तो उस बीच यहाँ पैदल चलने में भी लोगों को परेशानी होती है। और उसके पीछे की अगर हम मुख्य वजह जानना चाहेंगे तो एकमात्र यही मिलेगा कि जिस तरह से सड़कों पर अवैध पार्किंग होती है, वही एकमात्र ऐसी वजह होती है जिस वजह से यहाँ ट्रैफिक की समस्या होती है। तो अगर धनबाद की जनता को ट्रैफिक की समस्या से निजात पाना है तो जिला प्रशासन को इस पार्किंग को लेकर अब संज्ञान लेना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए, कोई कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे आम जनता भी सजग हो जाए और प्रशासन भी अपनी ओर से जो अपनी कार्रवाई उसे सही ढंग से पूरा कर सके। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ सांभवी, मेरठ मीडिया, धनबाद।